सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 48वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसमें हमने तीसरे सूत्र तक देखा था। पीछे प्रसंग था जो दूसरा अधिकरण चल रहा था, श्रुति का विरोध होने पर स्मृति की अप्रामाणिकता माननी चाहिए। तो इस विषय में सिद्धांती ने उठे हुए प्रश्न का उत्तर भी दिया था और भी उत्तर आगे देंगे, वो हम चौथे सूत्र में आज देखेंगे। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 222, भाष्य में चौथी पंक्ति, वैदिकम वचनम मूलम भविष्यति इति। ये जो पूर्व पक्षी कह रहा है, तो स्मृति वाक्य जो हमारे पास उपलब्ध है उसके पीछे श्रुति नहीं है, इसलिए तो हम उसका विरोध दिखा रहे हैं। फिर ये कैसे कह रहा है कि वैदिकम वचन कल्पे कल्पे वचनम, कल्पित जो वचन होगा वो मूल मान लेंगे। कल्पित वचन, कल्पित वचन माना जाएगा। आपने ठीक ही है उसमें मैं कि जो वास्तव में अगर श्रुति है तब तो ये हमारे विचार का प्रसंग ही नहीं है इस अधिकरण का। स्मृति में कुछ लिखा है और श्रुति में भी उसका मूल दिख रहा है तो कोई बात ही नहीं थी, संदेह ही नहीं है। ये कल्पे लेना पड़ेगा यहाँ पर। मैंने कल बोला भी था इसको, मूल अनुमित जो करते हैं वैदिक वचन मूल हो जाएगा, कल्पित जो भी वचन करेंगे तदनुसार वो मूल मान लिया जाएगा। कल्पित की चर्चा आगे दे रहे हैं ना, इसी पंक्ति में ये यहीं पर भी है। फिर आगे जो कहा सिद्धांत, भवेत वैदिकम वचनम मूलम यदि स्पर्शनम व्यामोह। वो जो कल्पे वैदिक वचन है वो मूल हो सकता हो जाए जब स्पर्श भी भ्रांत हो, सिद्ध हो। जबकि स्पर्श के लिए जो श्रुति वचन मिल रहा है वो तो साक्षात मिल रहा है हमारे को और ये कल्पे है। स्पर्श वचन अगर झूठा सिद्ध हो जाए तो ये कल्पित श्रुति वचन प्रमाण माना जा सकता है, लेकिन वो झूठा सिद्ध ही नहीं हो रहा है तो कैसे गलत माना जाएगा। ये कल्पित ही लेना पड़ेगा, नहीं तो लगेगा नहीं, संगति नहीं लगेगी। जो आपको विरोध दिख रहा है ना वो इसीलिए है। पृष्ठ संख्या 223 और पंक्ति संख्या नीचे से छठी पंक्ति अंत में शुरू हो रहा है कि न च असौ एकस्मिन् पक्षे श्रुति ही। आगे फिर न प्रमाद पाठ इति, तो दो नकार हुआ, पहले नकार को किसके साथ जोड़ेंगे। न च असौ एकस्मिन् पक्षे श्रुति, ये न को यहीं पर ही जोड़ेंगे केवल। एक पक्ष में श्रुति नहीं है अर्थात उभय पक्ष में है। ये जो श्रुति है ये एक पक्ष में नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में है। इसका तात्पर्य वाक्यांश का, ये जो श्रुति है वो दोनों पक्षों में लागू होगी। जो श्रुति वचन है उसको तो दोनों ही पूर्व पक्षी और सिद्धांती दोनों ही मानते हैं। प्रसंग वहां पर है जो स्मृति वचन है लेकिन श्रुति नहीं है, वो विवाद का विषय है। जिस संदर्भ में जिस विषय में, यानी हमारा विषय चल रहा था कि एक बात हमें श्रुति से पता लग रही है, एक स्मृति से पता लग रही है, दोनों मिल रहे हैं, तो जो श्रुति वचन से मिल रही है वो तो दोनों ही पक्षों में मान्य है, तो श्रुति में कहा गया है इसलिए वो किसी एक पक्ष की नहीं है, वो तो दोनों पक्षों में मान्य है। तो न च असौ एकस्मिन् पक्षे श्रुति, ये एक पक्ष में श्रुति नहीं है यानी दोनों पक्षों में है। निबद्धाक्षरा ही सा, और ये जो श्रुति है ये पहले से निर्मित है, पहले से विद्यमान है, कल्पित नहीं है। निबद्ध अक्षरा मतलब पहले से बंधे हुए अक्षरों वाली है, हमने बनाई नहीं है, कल्पे श्रुति नहीं है ये। और प्रमाद पाठ इति न शक्या गदितुम, ये प्रमाद पाठ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है उसके लिए, उसको प्रमाद पाठ नहीं कहा जा सकता। ना का मतलब वो पीछे से जुड़ेगा केवल। ये जो शक्या गदितुम दिया है इसके साथ न जुड़ गया, इसके साथ न जुड़ेगा ना। ना को अलग करो, प्रमाद पाठ को विपरीत अल्प विराम में मैंने करवाया था। प्रमाद पाठ इति, ये जो प्रमाद पाठ है ऐसा इसको नहीं कह सकते आप,
श्रुति वचन, जो श्रुति वचन साक्षात श्रुति वचन है, ये प्रमाद पाठ है ऐसा नहीं कह सकते आप। प्रमाद पाठ है को विपरीत अल्प विराम में लीजिए, न को अलग रखिए, न प्रमाद पाठ है ये नहीं कह सकते। प्रमाद पाठ है इति न शक्य गदे तुम, इति गदे तुम न शक्य। और कोई? इसमें जो उसी के नीचे जो पंक्ति है, तत्र दूर श्रुत स्वप्नादि विज्ञान मूलतम, तो स्वप्न को कहकर क्या कहना चाहते हैं? ऐसे ही कल्पित, स्वप्न में क्या होता है, निराधार बात होती है, ऐसा स्वप्न मतलब निराधार बात, वास्तविकता से रहित, वैसे ही मन में सोच लिया, ज्ञान में आ गया, बुद्धि में आ गया, मन में आ गया, ऐसा स्वप्न जैसा, स्वप्न जैसा। हाँ, दुश्रुत स्वप्नादि विज्ञान मूलत्वम तु सर्ववेष्टनस्य इति, सर्ववेष्टन का मूल कैसा विज्ञान है, कैसा ज्ञान है, जो दुश्रुत है, गलत ढंग से सुना गया है और यूं ही कल्पित कर लिया, मनमाने ढंग से कर लिया है, वो ऐसा विज्ञान ज्ञान उसका मूल बन रहा है। भाई ज्ञान तो फिर भी होता है ना, गलत ढंग से किसी ने सुना, सही बात को कहा, हमने गलत ढंग से सुन लिया, अब भी तो कुछ हमारे मस्तिष्क में ज्ञान तो रहता ही है ना, बोध तो रहता ही है, वो जो बोध है ज्ञान है, तन्मूलक है ये सर्ववेष्टन। और स्वप्न में भी कुछ ज्ञान तो होता ही है, भले ही विपरीत है, उस ज्ञान ऐसे ज्ञान के मूलक है ये, यानी भ्रांत है, निराधार है। क्यों है ऐसा? क्योंकि श्रुति से विरोध आ रहा है इसका, जो श्रुति से विरुद्ध है वो गलत ढंग से सुनी गई है, गलत ढंग से अनुभव की गई है, वैसी कल्पित है, स्वप्न में ऐसी माननी जाएगी। अंतिम पंक्ति, हाँ, एवं अपरस्मिन पक्षे तुल्य कारणत्वात्, एक पक्ष तो हम ठीक सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे पक्ष में भी तुल्य कारण से ये क्या कहना था? हाँ, तो तस्मात, यहां से देखिए, तस्मात यथैव एकस्मिन पक्षे, एक पक्ष में, एक पक्ष मतलब स्पर्श पक्ष में, ये सिद्धांति का पक्ष हुआ, न शक्य श्रुति कल्पयितुम, श्रुति की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी सर्ववेष्टन की श्रुति की कल्पना नहीं की जा सकती। सिद्धांति के पक्ष में जब हम उसको मान रहे हैं स्पर्शन वाला, उस पक्ष में सर्ववेष्टन की श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती, ठीक है। एवं अपरस्मिन पक्षे, इसी प्रकार से अपर पक्ष यानी पूर्व पक्ष में भी सर्ववेष्टन की श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती। सर्ववेष्टन की श्रुति कल्पित करने की बात है, ठीक है, स्मृति है और श्रुति कल्पित की जानी चाहिए। तो सिद्धांत, ये भाष्यकार क्या कह रहे हैं कि सिद्धांत पक्ष में तो वो कल्पित की ही नहीं जा सकती, सिद्धांत पक्ष में का जब स्पर्शन की बात है, स्पर्शन के रहते वो की नहीं जा सकती सिद्धांत पक्ष, सिद्धांति के मत में तो वहां तो है ही नहीं। और बोले वो पूर्व पक्षी के मत में भी कल्पित नहीं की जा सकती, क्यों? तुल्य कारणत्वात्, जिस कारण से श्रुति सर्ववेष्टन की श्रुति सिद्धांत पक्ष में कल्पित नहीं की जा सकती, वहां विरुद्ध पड़ रही है, उसी हेतु से पूर्व पक्षी के मत में भी कल्पित होगी और वो स्वीकार नहीं हो सकती। दोनों में तो कोई अंतर पता नहीं चलता, वो चाहे पूर्व पक्ष में हो चाहे सिद्धांत पक्ष में हो, दोनों में लग रही है ना, बस यही कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। अगर कोई कल्पना करे, ऐसा सोचे कि ठीक है सिद्धांति के पक्ष में ये ना लगे कल्पित श्रुति, पूर्व पक्षी के मत में लग जाए, बोले नहीं ये तो बन ही नहीं सकती, कोई सा भी पक्ष हो, चाहे सिद्धांति का पक्ष हो चाहे पूर्व पक्ष हो, किसी भी तरफ कल्पित श्रुति नहीं घट सकती, ये कहना चाह रहे बस। पूर्व पक्षी ऐसा कहे कि ठीक है आप ऐसा मानते हो, सिद्धांति को बोले आप स्पर्शन का करते हो उसको मानते हो, ठीक है आपके पक्ष में कल्पित श्रुति नहीं हो, हम तो इस सर्ववेष्टन की स्मृति मानते हैं, हमारे पक्ष में कल्पित श्रुति हो जाएगी, तो उसके लिए कह रहे हैं ये कहीं भी नहीं घटेगी, यानी न उस पक्ष में न इस पक्ष में, सिद्धांति के पक्ष में तो होगी ही नहीं, पूर्व पक्षी के पक्ष में भी नहीं होगी, ठीक है। पृष्ठ संख्या 224, ऊपर से तीसरी पंक्ति भाष्य की, सो असौ अन्यतः परिच्छेद है, कल्प मूलम मूलत्वात्
स्मृति प्रमाण्यम अन्वक्लिप्तम, ये इस हेतु से कहें। कल्पे मूलत्वात् तो हेतु है, इसको वाक्य को मैंने ऐसे करवाया था, पीछे से देखिए इसी यानी तीसरी पंक्ति के प्रारंभ से, तत्र स्पर्शनस्य क्लिप्तम मूलम कल्प्यम स्मृते है सो असौ अन्यथा परिच्छेदः। यहां तक मैंने एक वाक्य लिया था, ठीक है, इन्होंने जो कर रखा है कल्प्यम स्मृते है यहां तक पूरा किया, ठीक है। वैसा अगर लगाना है तो क्या है कि स्पर्शन का जो मूल है वो क्लिप्त है, क्लिप्त है मतलब सिद्ध है, समर्थ है। क्यों सिद्ध है, सिद्ध समर्थ है, क्यों सिद्ध समर्थ है, क्योंकि श्रुति मिल रही है उसकी, श्रुति साक्षात मिल रही है इसलिए सिद्ध है वो, हो गया स्पर्शन का। और कल्प्यम स्मृते है, स्मृति का जो मूल है, स्मृति यानी सर्वबेष्टन की जो स्मृति है उसका मूल कैसा है, कल्प्य है। मूल को यहां पर आगे लेंगे, वहां था ना क्लिप्तम मूलम, यहां पर कल्प्यम मूलम लेंगे, उसका मूल यानी श्रुति कल्पित है, पहले से बनी हुई नहीं है, कल्पित करनी पड़ेगी। सो असौ अन्यथा परिच्छेद, ये दूसरे ढंग से इनमें भेद है, अंतर हो गया, इसी को आगे खोल रहे हैं। अब इसके बाद अगली बात कह रहे हैं, कल्प्य मूलत्वात् स्मृति प्रामाण्यम अनवक्लिप्तम, स्मृति का प्रामाण्य क्यों सिद्ध नहीं है, क्योंकि वो कल्प्य मूल है, उसका आधार वो श्रुति है जो कि कल्पित है, स्मृति वचन का आधार वो श्रुति है जो कल्पित है, कल्पित श्रुति आधार वाली होने से स्मृति वचन स्मृति का प्रामाण्य सिद्ध नहीं है। ये एक स्वतंत्र वाक्य है, ये जो सो अन्यतः परिच्छेद है ये पहले वाले के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसका पूर्ण विराम हटाना पड़ेगा इसका, हाँ, ये नहीं, या तो आप पूर्ण विराम भले ही रख लीजिए, लेकिन सो अन्यथा परिच्छेद इसके बाद पूर्ण विराम लगा लीजिए। सो अन्यथा परिच्छेद करके जो रेखा लगाई हुई है, यानी सो अन्यथा परिच्छेद की व्याख्या आगे नहीं है, वो एक स्वतंत्र बात कही गई, वो एक ही पक्ष को कहा गया है, वो एक पक्ष क्या है, कल्प्य मूलत्वात् स्मृति प्रामाण्य अनवक्लिप्तम, ये केवल एक पक्ष की बात कही गई है। तो अन्यथा परिच्छेद दोनों को जो भिन्न भिन्न बताया गया है वो कहां बताया गया है, तत्र स्पर्शन से क्लिप्तम मूलम कल्प्यम स्मृते है, ये यहां दो अलग अलग ढंग से किया है, सो अन्यथा परिच्छेद है, इसको अलग अलग किया गया है यहां पर, इसको पिछले से जोड़ना होगा। स्मृते के बाद जो पूर्ण विराम है उसको भले ही ना हटाएं, लेकिन अगला वाक्य करके उस वाक्य को पिछले उससे जोड़ करके देखना चाहिए। दूसरा प्रश्न आ जाए, किसी क्रिया को करने के लिए यदि श्रुति के दो वाक्य प्राप्त हो रहे हैं तो वहां पर विकल्प माना जाता है, परंतु जहां स्मृति का श्रुति से विरोध होने पर कोई वाक्य कहा जा रहा है तो वहां स्मृति को प्रमाण माना जाता है, श्रुति को प्रमाण माना जाता है, परंतु जहां दो श्रुति एक ही वाक्य को एक ही क्रिया को कहने के लिए प्राप्त हो रही हो तो वहां क्या मानेंगे, विकल्प होगा, तुल्य बल है तो विकल्प होगा, सीधी सी बात है, तुल्य बल होना चाहिए, तुल्य बल मतलब दोनों श्रुतियां हैं, तुल्य बल है, किसी को भी खंडित नहीं कर सकते, विकल्प होगा। दो स्मृतियां हैं प्रमाणिक हैं, यदि पहले से सिद्ध है कि प्रमाणिक हैं और दो आ रही हैं, विकल्प हो जाएगा। श्रुति और स्मृति के बीच में होगा तो श्रुति ही मान्य होगी, स्मृति मान्य नहीं होगी, यदि विरोध हो रही है स्मृति मान्य नहीं होगी, विकल्प नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, श्रुति में भी ये जानना आवश्यक है कि वो प्रमाणिक है नहीं है, कौन सा वचन उसमें, श्रुति प्रमाणिक है वो सिद्ध हो चुका है, उसको मानने के बाद ये बात कही जा रही है। यदि आप पीछे जाते हो तो ठीक है, वो पहले चर्चा चलेगी कि श्रुति प्रमाणिक है या नहीं है, वो पहले से वो अलग चर्चा चलेगी, अभी ये इस स्तर पर बात कही जा रही है श्रुति प्रमाणिक है, उसको प्रमाण मान करके जो मान चुके हैं वो क्या करें जब ये विरोध आता है, उसके लिए कहा जा रहा है। और कोई आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 223 में जो अभी स्वामी जी ने ये पूछा था, भाष्य का अंतिम वाक्य, तस्मात् यथैव एकस्मिन् पक्षे न शक्य श्रुति ही कल्पयितुम् एवं अपरस्मिन् पक्षे,
तुल्य कारणत्वात्। तो जो आपने समाधान दिया उसमें तुल्य कारणत्वात् हेतु कैसे जुड़ेगा? पृष्ठ संख्या 223। नहीं नहीं वो ठीक है, ऊपर जो सारी बातें बताई है ना परस्पर विरोध होने के कारण से, नहीं तस्य सति विरोधे प्रामाण्यम अभ्युपगंतव्यम इति न किंचित अस्ति प्रमाणम। इसको पीछे वाले को ले सकते हैं, जो पीछे जो भी इन्होंने बताया ना, एक तो अशक्यत्वात् व्यामोह अशक्य होने से, और दूसरा हेतु दिया स्थौत विज्ञान विरोधात्, इससे ये दो हेतु तो सीधे सीधे वहां दिए ही गए हैं, और भी जो ये परस्पर विरुद्ध बात कही गई है इसमें यही हेतु बनेगा और कुछ नहीं। विरोध होना, विरोध होना श्रुति से विरोध होना, सिद्धांती श्रुति से विरोध देख करके उसको अस्वीकार कर रहा है स्मृति वचन को। पूर्व पक्षी कहे कि नहीं मैं तो श्रुति को देख नहीं रहा हूं, मैं तो केवल स्मृति के आधार पर कर रहा हूं। नहीं, आपके यहां भी वही विरोध आएगा, ये श्रुति के विरुद्ध में जा रहा है, एक ही बात है। आचार्य जी दूसरा है 222 में, भाष्य के पहले अनुच्छेद की नीचे से दूसरी तीसरी पंक्ति, यथानुभवनम अनुपपन्नम इति न कल्प्यते तथा वैदिकमपि वचनम। तो इसका जो कल आपने अर्थ बताया था वो स्पष्ट नहीं हुआ क्या? यथा अनुभवनम अनुपपन्नम इति, ये कह रहे हो ना, यथा अनुभवनम अनुपपन्नम इति न कल्प्यते तथा वैदिकमपि वचनम। तो यहां देखिए, जैसे कि अनुभवन यानी साक्षात जो प्रत्यक्ष हो रहा है हमारे को, यदि वो अनुपपन्न है सिद्ध नहीं हो रहा है, कोई बात प्रत्यक्ष में नहीं दिखाई दे रही है, तो न कल्प्यते उसकी कोई स्मृति कल्पित नहीं की जाती है, उसकी कोई स्मृति कल्पित नहीं की जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार से वैदिक वचन भी कल्पित नहीं किया जाएगा, जो बात अनुभव से प्रत्यक्ष नहीं आ रही है उसकी स्मृति भी कल्पित नहीं की जाएगी और उसके उसका वैदिक वचन भी कल्पित नहीं किया जाएगा। दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं, एक तो है अनुभव और स्मृति, अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, अनुभव सिद्ध नहीं हो रहा है तो स्मृति कल्पित नहीं की जा सकी, इसी तरह स्मृति सिद्ध नहीं हो रही है तो उसकी श्रुति भी कल्पित नहीं की जाएगी, उसकी स्मृति यदि अनुपपन्न है तो उसकी श्रुति कल्पित नहीं की जा सकती। इसमें जो इन्होंने नीचे देखो, जैसे अनुभव उपपन्न नहीं होता वैसे ही स्पर्श के, अभी इन्होंने कोष्टक में ले लिया, कोष्टक को छोड़ के अगर देखें, जैसे अनुभवन उपपन्न नहीं होता वैसे ही वैदिक वचन भी उपपन्न नहीं होता, वैसे ही स्पर्श के अव्यामोह होने पर, स्पर्श के अव्यामोह होने पर सर्ववेष्टन स्मरण मूलक वैदिक वचन भी उपपन्न नहीं होता, ठीक है। तो यहां ये जो कल्प्यते है इसमें मैंने स्मृति को लिया हुआ है, स्मृति शब्द मैंने जोड़ा है यहां पर, कि जैसे अनुभव के अनुपपन होने पर स्मृति कल्पित नहीं होती है, क्योंकि स्मृति वचनों में जो बातें लिखी हैं और जो कि वेद में श्रुति में नहीं है, वो एक तो स्मरण करके लिखी हुई है, दूसरा जो देखा जाता है वो भी लिखा जा सकता है वहां पर। तो स्मृति मतलब जो प्रमाणिक ग्रंथ है, जो चीज प्रत्यक्ष नहीं हो रही है उसको वो नहीं लिखेंगे वहां पर, ऐसे ही स्मृति यदि अनुपपन्न होनी है हो रही है तो उसका श्रुति वचन उपपन्न नहीं होगा, कल्पित नहीं किया जा सकता है, तथा वैदिकमपि वचनम ऐसे किया हुआ है। जी आचार्य जी आपने जैसे बताया वैसे भी ठीक है, लेकिन अगर इसको हम ऐसे करें तो कैसा रहेगा कि यथा अनुभवम अनुपपन्नम इति न कल्प्यते, जैसे कोई वस्तु मुझे अनुभूत हुई तो उसको वो अनुपपन्न है ऐसी कल्पना की नहीं जा सकती, अनुभव किया हुआ जो वस्तु है उसकी। उसी प्रकार से वैदिक वचन भी है, उस वो वैदिक वचन अनुपपन्न है ऐसी कभी कल्पना हो ही नहीं सकती, अनुपपन्न नहीं होगा, वो हमेशा सिद्ध ही रहेगा। वो तो देखो इसको हमको आगे से भी जोड़ना होगा, इन्होंने लिखा ना कथम तरही सर्ववेष्टन स्मरणम, ठीक है, उसके साथ जोड़ना होगा हमारे को, क्योंकि ये कहना चाह रहा है भाई सर्ववेष्टन स्मरण क्यों हो गया, ये यदि अनुभव अनुपपन्न हो रहा है तो सर्ववेष्टन की स्मृति कैसे आ गई है, उसका स्मरण कैसे हो गया है? तो पिछली वाली बात से जोड़ेंगे तो क्या होगा, इन्होंने कहा अनुभव अनुपपन्न होता है
इसलिए उसकी स्मृति कल्पित ही नहीं की जाती। यथा अनुभव अनुपपन्नम, आप जो अर्थ कर रहे हो वो नहीं कर रहा हूं मैं मेरे वाले अर्थ को ही दोहरा रहा हूं, उसकी पुष्टि कर रहा हूं। किस आधार पर? क्योंकि आगे कथम तरही सर्ववेष्टन स्मरण, ये जो कोई प्रश्न करेगा वो किस पृष्ठभूमि में करेगा? आपने जो पृष्ठभूमि बताई उसको देखते हुए कथम तरही सर्ववेष्टनम, ये प्रश्न आगे नहीं बनता है। आपने जो अर्थ किया वो अब बोल रहा हूं, मेरा वाला फिर मैं बाद में बताता हूं। आपने कहा कि जैसे जो चीज अनुभव हो रही है उसको असिद्ध नहीं कर सकते, अनुपपन्न नहीं होती, उसी प्रकार से वेद भी अनुपपन्न नहीं होता है। ठीक है, वेद अनुपपन्न नहीं होता, तो ये वेद की बात चल रही है, श्रुति की बात चल रही है। अब यहां कथम तरी सर्ववेष्टन स्मरणम की बात नहीं आएगी, क्योंकि स्मृति का प्रसंग ही नहीं लिया है हमने पीछे से। वेष्टन स्मरणम मतलब स्मृति की बात चल रही है, तो इसको हमें पिछले वाले वाक्य से जोड़ना होगा। पिछले वाले वाक्य में स्मृति से संबंधित कोई बात कही गई है, और वो क्या है? इसलिए मैंने यहां कहा था अनुभवनम अनुपपन्नम, जो अनुभव अनुपपन्न हो रहा है इति न कल्प्यते, उसकी स्मृति कल्पित नहीं की जाती है। जैसे श्रुति कल्पित की जाती है, ऐसे स्मृति भी कल्पित की जाएगी, बनाई जाएगी, तो उसकी स्मृति कल्पित नहीं की जाएगी। जो चीज व्यवहार में नहीं उतर रही है उसकी स्मृति कल्पित नहीं की जाएगी। वैसे ही वैदिक की भी, वैदिक वचन भी कल्पित नहीं किया जा सकता, जो कि उपपन्न नहीं हो रहा है, वास्तव में व्यवहार में नहीं आ रहा है, वो नहीं बन सकता। तो पीछे जो इसने कहा कि अनुपपन्न की स्मृति होती ही नहीं है, और सिद्धांती कह रहा है कि स्मृति अनुपपन्न हो रही है आपकी सर्ववेष्टन की, एक तरफ कहा कि स्मृति वही होती है जो अनुपपन्न ना हो, उपपन्न हो, अनुपपन्न ना हो, ऐसी ही स्मृति बनती है, एक तरफ सिद्धांती ने बात कही। आगे तो वो पूछेगा ना, फिर आप सर्ववेष्टन की स्मृति को अनुपपन्न कैसे कर रहे हो? तो इसलिए कहा कथम तरी सर्ववेष्टन स्मरण, जब अनुपपन्न की स्मृति होती ही नहीं है तो इस सर्ववेष्टन का स्मरण, जिसको कि आप अनुपपन्न कह रहे हो, वो कैसे आ गई है, वो कैसे बना है? बोले व्यामोह है, गलत बना दिया है। ठीक स्मृति जो बनेगी, उचित ढंग से बनेगी, वो उपपन्न की ही बनेगी। कथम व्यामोह कल्पना, कैसे आप उसको व्यामोह कल्पना कह रहे हो? श्रोत विज्ञान विरोधा। ठीक है, वैसे थोड़ा इनकी संगति में थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं हम, उस तरह भी अर्थ कर सकते हैं। हाँ। इसमें सर्ववेष्टन का विरोध कर रहे हैं या वेष्टन मात्र का विरोध कर रहे हैं? सर्ववेष्टन का, केवल सर्ववेष्टन का, वेष्टन का नहीं। वे वेष्टन किया है और उसमें थोड़ी सी बात छोड़ दी, थोड़ी जगह छोड़ दी, वहां स्पर्श कर सकता है, वो स्पर्श को स्थान मिल जाता है, तब तो विरोध नहीं बनेगा ना, अवकाश मिल रहा है, सावकाश हो गए, दोनों सावकाश हो गए। सर्ववेष्टन के कारण से दिक्कत आ रही है। इसमें जो 223 पृष्ठ में छठी पंक्ति का जो आपने समाधान दिया, उसमें हिंदी में जो लिखा है वो बात का थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट देखते हैं, आपका संस्कृत वाला वाक्य है यदेव ही तस्य एकस्मिन पक्षे मूलम, नहीं उसका अगला पंक्ति न च असो एकस्मिन पक्षे श्रुति, उसके नीचे वाली पंक्ति। हाँ, तो ये पंक्ति संख्या 7 हो गई। हाँ, न च असो एकस्मिन पक्षे श्रुति निबद्धाक्षरा, इस वाक्य का कह रहे हो ना? जी। हाँ, तो ये नीचे देखिए, नीचे से 8वीं पंक्ति हिंदी में, वहां निबद्ध नहीं, इससे ऊपर देखो, ये जो है ना, यदि वह श्रुति एक पक्ष में व्यामोह नहीं है, यहां से लेंगे इसको ना, यदि यह श्रुति यदि एक पक्ष में व्यामोह नहीं है, न चो एकस्मिन पक्षे, नहीं नहीं वो ऊपर वाला है, न च एकस्मिन पक्षे चेत व्यामोह श्रुति, इसके आगे कहोगे तो श्रुति प्रामाण्य के तुल्य होने से दूसरे पक्ष में भी व्यामोह नहीं होगी, यहां तक हो गया। अब जो आप कह रहे हैं वाक्य यहां से होना चाहिए, तो इसमें अर्थ छूटा हुआ है, जो मूल का है ना वो अर्थ छूटा हुआ है। देखो, न च असौ एकस्मिन पक्षे श्रुति ही, न च असौ एक, इसके लिए कुछ नहीं कहा, आगे क्या लिखा, वह निबद्धाक्षरा शब्द में बंधी हुई प्रत्यक्ष पठित, तो निबद्धाक्षरा ही सा श्रुति एक पक्ष, अच्छा यहां ले रहे हैं, श्रुति एक पक्ष यानी अप्रमाण पक्ष में प्रमाद पाठ नहीं कही जा सकती। इन्होंने तीनों को मिला करके एक बात कही है, लेकिन नहीं तो एक बार आया, दो नौकर नहीं आया। हाँ नहीं, तो इन्होंने एक कर दिया ना, तो दो नकार करते तो इनका गलत अर्थ हो जाता।
वह, देखो वह निबद्ध अक्षरा शब्द में बंधी हुई प्रत्यक्ष प्रतीत श्रुति एक पक्ष में प्रपाद पाठ नहीं कहा कही जा सकती। तो इन्होंने एक ही नय का प्रयोग किया है, पहले वाला नकार गलत है ना, वो छूट गया, इसमें छूट गया है ये। इसको तीन बातों में, तीन बातें हैं यहां पर, इसलिए मैंने आपको तीन बताया। न च असो एकस्मिन पक्षे श्रुति ही, यहां अल्प विराम लीजिए, निबद्धाक्षरा ही सा यहां अल्प विराम है ही, और फिर आगे है, ये तीन बातें कही गई हैं यहां, ऐसे में दोनों नकार संगत लगेंगे यहां। ठीक है, इसमें क्या इन्होंने लिखा भी है युधिष्ठिर जी ने उस भूमिका में, और आगे वाले में तो लिखा ही है स्पष्ट, ये उस समय बहुत रुग्ण अवस्था में थे और बहुत जोर था, और लेकिन करना है भाष्य उन विषम परिस्थितियों में उन्होंने किया है। तो कोई भी लेखक एक बार लिखता है, दोबारे देखता है, तिवारे देखता है, तब उसकी भाषा ठीक होती है, और एक बिल्कुल स्वस्थ और शांत अवस्था में लिखता है तो ज़्यादा अच्छी भाषा आती है, नहीं तो वो थोड़ा जल्दी में भी करता है उतना अच्छा नहीं होता, देख नहीं पाता है कि संगत है नहीं, और मस्तिष्क भी पूरी संगति नहीं लगा पाता कि यहाँ क्या लिख रहा हूँ मैं, बिल्कुल वही लिख रहा हूँ, कुछ का कुछ लिखने में आ जाता है, दूसरा कोई देखने वाला नहीं जो इसमें दोष निकाल करके संशोधन करता, जो कोई दूसरा देखेगा तो केवल वर्तनी का शोधन करेगा, ये अक्षर ठीक है या नहीं है, वाक्य बना है, उसको क्या पता है कि वहाँ ऊपर क्या लिखा है और नीचे क्या लिखा है, उसको विषय ही नहीं समझ में आया हुआ है, वो तो उन्हीं को ही पता था केवल, तो वो नहीं देखा गया। आगे आगे आपको छठे के बाद वहां आगे और भी त्रुटियां मिलेंगी आपको, बाद में तो उन्होंने व्याख्या ही करनी बंद कर दी थी, बहुत कम कर दी, शुरू में अधिक है, तो इसलिए भाषा आदि की जो दृष्टि से है ना वो संशोधन, आप मूल को देखेंगे, जो संस्कृत जानता है उसको पता लग जाएगा कि यहाँ नीचे यहाँ ये होना चाहिए। ठीक है, और आचार्य जी, ये 221 में जो विवरण है ना, 221 पृष्ठ पे विवरण, हाँ, नीचे से सातवीं लाइन, हाँ, इसमें लिखा वस्तुतः उपलक्षण मात्र है, जो ऊपर दिया गया 48 वर्ष का ब्रह्मचार्य और जो केस काले हो जाते हैं उसका ये उपलक्षण मात्र है, तो ये उपलक्षण मात्र कैसे? उपलक्षण मतलब संकेत मात्र है, संकेत मात्र है उसका, बस विरोध है इतना ही केवल कहा गया और कुछ नहीं है, मुख्य नहीं है ये, मुख्य नहीं है ये, क्योंकि इन्होंने आगे लिखा है ना कि जब भी कर्म में श्रद्धा उत्पन्न होवे तभी अग्निधान कर लेवे जी, ये कोई नियम नहीं है कि जात पुत्र कृष्ण केशव अग्नि नाद अधीत है, जब पुत्र हो जाए और बाल काले हो तभी अग्निधान करे, ये कोई नियम नहीं है, केवल कथन वैसे हल थोड़ा ही है, अच्छा है ऐसा हो तो, नहीं तो जब भी श्रद्धा होगी वो अग्निधान कर सकता है, जब पुत्र ना हुआ हो अथवा तो बाल काले नहीं हो के सफेद भी हो गए तो भी कर सकता है, ऐसा लेना चाहिए। और जो आचार्य 48 साल का ब्रह्मचारी उसका, उसका भी इन्होंने निषेध किया है, इन दोनों के अंदर इन्होंने 48 साल का जो ब्रह्मचर्य है और चार वेदों का अध्ययन है उसको प्रबल माना है युधिष्ठिर जी ने, क्योंकि ब्राह्मणों में बहुत जगह वो वचन मिलते हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, तो ब्राह्मण में अगर वो आ गया है तो इसको इस परिभाषा के अनुसार श्रुति में लेंगे, यहाँ इन्होंने क्या किया है अग्निधान को श्रुति वचन माना है और 48 साल के ब्रह्मचर्य को स्मृति मान लिया है, तो दुर्बल कर दिया है उसको स्मृति मान करके। युधिष्ठिर जी के मत में इन दोनों में 48 साल का यानी वेदों का अध्ययन करना, चार वेदों का अध्ययन करना, उसमें समय लगाना ये मुख्य है, नहीं तो क्या निकल करके आएगा अर्थ, अग्निधान मुख्य है, अग्निधान करो पहले, वो नहीं छूटना चाहिए, वो मुख्य है ब्राह्मण के लिए, तो अग्निधान के लिए वो पहले विवाह भी करेगा, इसलिए वो चार वेद नहीं पढ़ पाएगा, फिर विरोध आ जाएगा उसके अंदर, इन्होंने इसको प्रमुख बना दिया, विरोध प्रमुख नहीं है वो। आचार्य जी मुझे और उसको दूसरे ढंग से यूं कह सकते हैं कि खैर अभी वो प्रसंग थोड़ा सा आगे भी आएगा, उसमें इन्होंने जिस तरह से लिखा है कि सामान्य स्थिति में उसको व्यक्ति को विवाह ठीक समय पर कर लेना चाहिए, उस अर्थ में इसको समझ सकते हैं, उसको काल को केवल अध्ययन के कारण से विवाह को बहुत लंबा नहीं खींच लेना चाहिए, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है वो बात, ऐसा है। आचार्य जी मुझे पूछना था 48 साल जो वेद अध्ययन करेगा फिर वो क्या विवाह करेगा? मना थोड़ा ना है, क्योंकि उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी होगी, वो फिर वापस ऐसे गृहस्थ में क्यों आएगा? मना नहीं है, मना नहीं है, गृहस्थ में जा सकता है वो,
और ठीक है, तो इसी प्रसंग का हम अंतिम सूत्र चौथा देखेंगे कि यदि श्रुति और स्मृति में विरोध हो तो क्या करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 225 और ये हम मीमांसा के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का चौथा सूत्र देख रहे हैं। सूत्र है हेतु दर्शनाच्च, हेतु के देखे जाने से भी। हेतु का मतलब है कारण। जो स्मृतियों में बात कही गई जो श्रुति से विरुद्ध पड़ रही है उसमें कुछ कारण नजर आ रहा है कि क्यों इन्होंने किया ये। कोई व्यक्ति हमारे से बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहा है, वैसे नहीं करता है, तो कोई ना कोई कारण है, आता है ना। ये कभी मेरे को दूरभाष नहीं करता, फोन नहीं करता, आज इसने फोन किया, जरूर कोई ना कोई बात है, ऐसे तो ये करता ही नहीं। तो वैसे तो श्रुति के अनुरूप स्मृतियां होती हैं, श्रुति के अविरुद्ध होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी श्रुति दिखाई दे रही है, नहीं, ऐसी कोई स्मृति दिखाई दे रही है जो श्रुति के विपरीत जा रही है, तो यहां कोई दूसरा कारण होगा, कोई ना कोई दूसरा कारण होगा। हेतुरत्र भविष्यति। पंचतंत्र वाली कथा सुनी है ना आपको, सुनाइए, तिल वाली, धुले हुए तिल की बदले में वो ले लो धुले हुए, और बिना धुले हुए दे दो मेरे को। अब ये तो असामान्य बात है, ऐसे कैसे ले सकता है कोई, कोई कोई मूर्ख ही होगा। तो बच्चे को समझ में आगे भी कोई कारण जरूर है, हेतु रत्र भविष्यति, ऐसे तो नहीं हो सकता है। जब भी कभी कोई कम पैसा लेकर के अधिक चीज दे रहा हो, अधिक पैसे की, और कोई ना कोई कारण है, क्योंकि स्वभाव ही नहीं है कि कोई ऐसा कर दे, हो ही नहीं सकता, आत्मा का स्वभाव है, क्यों हानि उठाएगा वो, कोई ना कोई कारण जरूर है। या तो वो हमारे को अपना बनाना चाहता है, या पुराना सामान निकालना चाहता है, ये सेल लगी रहती है ना, सस्ते में ले लो, दवाइयां सस्ते में कर देते हैं, चप्पलें सस्ते में करते हैं, वो एक्सपायरी डेट में जाने वाली होती हैं। शीतल पेय वहां पर मॉल वगैरह में रहते हैं, बहुत सस्ते कर देते हैं जूस वगैरह, क्योंकि उनकी एक्सपायरी जाने वाली होती है, तो कोई हर कोई देखता नहीं है, तो उनको पता है कि अगर ये और 5-10 दिन रुक गई तो हम इसको हम यहाँ बेच ही नहीं सकते मॉल में, ये तो बिल्कुल ही जाएगी शून्य, इसका कोई मूल्य ही नहीं निकलेगा, तो उसको चौथाई कम कर देते हैं, आधा कम कर देते हैं, अलग से लिख देते हैं ताकि आए और व्यक्ति ले जाए इसको। हेतु रत्र भविष्यति। तो इन्होंने कहा हेतु दर्शनाच्च, वहां कुछ ना कुछ हेतु भी दिखाई दे रहा है, इसलिए भी वो अप्रमाणिक है। कैसे हेतु हैं? तो देखिए, लोभाद वास आदित्य समाना औदुम्बरीम कृष्णाम वेष्टित मंता केचित। लोभ के कारण से वस्त्र को लेने की इच्छा वाले, क्योंकि इसमें जो वस्त्र लिपटा हुआ रहता है ना वो दिया जाता है, फिर वो हालांकि जला भी देते हैं कई जने। हम नासिक में सोमयाग में गए थे पढ़ते समय, तो हालांकि उन्होंने पूरा लपेटा भी नहीं था, उन्होंने रस्सी से लपेटा था, उसको भी जला दिया था, नहीं तो वैसे नियम क्या है आगे बताएंगे, उस कपड़े को दे दिया जाता है, लिपटे हुए कपड़े को, जैसे शमशान में जाते हैं तो जो वस्त्र होते हैं वो कुछ को दे दिए जाते हैं, जलाए नहीं जाते, तो ऐसे तो किसी को कपड़े लोभ से कपड़े की इच्छा थी, तो उन्होंने क्या विधान करवा दिया, किसी औदुम्बरी को पूरा लपेटो, तो पूरा लपेटेंगे तो ज्यादा कपड़ा आएगा, ये हेतु दिखाई देगा वहां पर लोभ। तो लोभात वास, ये द्वितीय अभिव्यक्ति का एक वचन है, आदित्य माना औदुम्बरीम कृष्णाम वेष्टित मंता केचित। तत्स्मृतेर बीजम, इस स्मृति का बीज यानी कारण क्या है, क्यों ये स्मृति बन गई, ये कारण था। आज जो बहुत सारे ग्रंथों के अंदर हम देखते हैं, ये करो वो करो और इसमें ये पैसा और वो पैसा, हम कहते हैं ना कि इन्होंने अपने लोभ के लिए, अपनी आजीविका के लिए ऐसी ऐसी बातें बना दी। देखो उस समय भी ऐसे स्मृति में डाल दिया वाक्य उन्होंने, लोभ उसका कारण था, वास्तविकता से संबंधित नहीं था। दूसरा था कि जो क्रीत राज है, सोम को जिसने खरीद लिया है, उसके यहां भोजन लेना चाहिए या चौथे दिन लेना चाहिए, दूसरे या चौथे दिन, तो उसमें क्या कहें, भुभुक्षमाणा केचित कृत राजस्य भोजनम आचरित बनता, जिनको भूख लग रही थी
चौथे दिन तक रुकेंगे उसकी जगह अब उनको भूख लग रही है, दूसरे दिन लेना है। तो कुछ लोगों ने, जिसने सोम को खरीद लिया है उसके भोजन को उन्होंने किया, उसको विधान में ही डाल दिया, जो चाहते थे उसको विधान में डाल दिया, वहां पर स्मृति में डाल दिया। जैसे कि बहुत से ये भी कहा जाता है ना, जो मध्य मांस का भी प्रयोग हो गया यज्ञ आदि में, शुरू करवा दिया उन्होंने, क्योंकि मध्य मांस उनको खाना था, वो चीजें वहां शास्त्र में डलवा दी तो सम्मत हो गई, और उनको रासलीलाएं करनी थी तो वो उसमें डलवा दिए ग्रंथों के अंदर, कि ठीक है ये तो होता ही है हमारे यहाँ पर, तो शास्त्र से सम्मत है। तो जो चाहते थे वो चीजें गलत ढंग से उन्होंने डलवा दी, बस वो प्रति गई। और ऐसी चीजें श्रुति से विरुद्ध पड़ेंगी, उससे हमें पता लग जाता है कि श्वेत के विरुद्ध है तो ये मान्य नहीं है। अभी जो इतना कचरा बन गया था, इतने सारे ग्रंथ और जिनको कि लोग मान रहे हैं, स्वामी दयानंद जी ने क्या सूत्र पकड़ा था? यही तो सूत्र था जो हम अभी पढ़ रहे हैं, यही तो बात थी। वेद विरुद्ध कोई बात है वो मेरे को मान्य नहीं है, वेद के अनुरूप कोई बात है वो मान्य है। गलतियों को छाटने के लिए और क्या उपाय है हमारे पास? या तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से देखो, और उससे भी सिद्ध नहीं होता है, वहां कोई अंतर नहीं लग रहा है तो श्रुति से पता लगेगा। तो बुभुक्षमाणा केचित कृत राजस्य भोजनम आचरित बनता। तीसरा, अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तः च अष्टाचत्वारिंशत् वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्यं चरितवन्तः। ये बहुत आक्षेप वाली बात है, इसमें युधिष्ठिर जी ने तो खंडन किया है कि 48 साल तक ब्रह्मचर्य का क्यों पालन किया उसने? अपने अपुंस्त्व को, नपुंसकता को छिपाने के लिए, कि विवाह करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है तो क्या उपाय है? नहीं, मेरे को तो विवाह नहीं करना है, मेरे को तो पढ़ाई करनी है। सीधे सीधे कहें तो ठीक नहीं लगेगा। तो ये जो 48 साल का ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, वेद का अध्ययन करते हैं, वो वास्तव में अपनी नपुंसकता को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं, ऐसा होता होगा। तो ये इन्होंने लिखा है, अपुंस्त्वं प्रच्छादयन्तः अष्टाचर चत्वारिंशत् वर्षाणि वेद ब्रह्मचर्यं चरितवन्तः। तो इसके लिए उपाय भी चाहिए इनको, तो बोले शास्त्रों में डाल दिया इसको, उसका विधान ही शास्त्रों में कर दिया, ताकि उस तरह से चल सके, कोई आपत्ति नहीं आए। तथा एषा स्मृतिर इति अवगम्यते, तथा एषा स्मृति इति अवगम्यते। जब उन्होंने ऐसा कर लिया और फिर वैसी स्मृति भी आ गई, तो वैसी स्मृति जाने जाने लगी, स्मृति बन गई, ऐसा जाना जाता है। तो यहां ये सब जगह हेतु बताए गए हैं, जो वेद विरुद्ध हो रहे हैं, शास्त्र के विपरीत हो रहे हैं, वो बातें क्यों? कोई ना कोई वहां पर हेतु है, उसको अपनी बात को ढकने के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए, अपनी लालच इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस तरह की बातें स्मृतियों में डाली गई हैं, डाल दी गई हैं। तो इस प्रकार इति श्रुति विरोधे स्मृति प्रामाण्याधिकरणम श्रुति प्राबल्याधिकरणम वा। तो श्रुति का विरोध होने पर स्मृति की प्रामाण्य की अप्रामाणिकता का अधिकरण है ये कह लीजिए, अथवा श्रुति की प्रबलता का अधिकरण है, श्रुति सबसे बलवती होती है। आगे देखिए, ये जो अभी चौथा सूत्र पढ़ा हमने, इसी की दूसरे ढंग से व्याख्या की गई है। सूत्र वही है, उसके दूसरे ढंग से पृष्ठभूमि बना करके इसको एक अलग अधिकरण भी बना दिया गया, दूसरे ढंग से व्याख्या की गई। तो शीर्षक देखिए, तीसरा अधिकरण, दृष्ट मूलक स्मृति स्मृति अप्रामाण्याधिकरणम। दृष्ट मूलक स्मृति, दृष्ट मूलक स्मृति अप्रामाण्याधिकरणम, ये पूर्वाधिकरण से भिन्न ढंग से व्याख्या करने हैं। देखिए, हमारे सामने पीछे क्या बात थी, ऐसी स्मृति जिसका मूल वेद में नहीं मिल रहा है उसकी कल्पना कर ली जाती है अविरुद्ध हो तो, ऐसी स्मृति जिसका श्रुति से विरोध आ रहा हो, ऐसी स्मृति जिसका श्रुति से विरोध आ रहा हो वो अप्रामाणिक है, वहां श्रुति की कल्पना नहीं की जाएगी। अब कुछ ऐसी स्मृतियां जो श्रुति से विरुद्ध भी नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनकी अप्रामाणिकता करनी है, ऐसी स्मृति जिनका किसी श्रुति से विरोध नहीं हो रहा है। पीछे जो हम देख करके आए थे उसमें क्या बात निकल के आई कि ऐसी श्रुति जो ऐसी स्मृति जो कि श्रुति से अविरुद्ध हो वो मान्य हो जाती है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे भी बताना चाहते हैं
वो स्मृतियां श्रुति से अविरुद्ध हैं, लेकिन फिर भी अप्रामाणिक है, वो यहां पर बात कही। अधिकार अधिकरणांतरम वा, अथवा इसको एक भिन्न अधिकरण के रूप में लेंगे। वचन है वैसर्जन होमियम वासो अध्वर्युम अध्वर्यु गृह्णाति, ये स्मृति दी है इन्होंने। वैसर्जनीय होम होता है जिसमें विसर्जन किया जाता है, चीजों का छोड़ा जाता है, उसमें कपड़े को अध्वर्यु ग्रहण करता है, अध्वर्यु ग्रहण करता है, अध्वर्यु एक ऋत्विक है, ये तो स्मृति वचन हुआ। और श्रुति वचन का यूप हस्तिनो दानम आचरंती, यूप हस्ती के दान का आचरण करते हैं, यूप हस्ती मतलब यूप पे जो कपड़ा लपेटा गया है उसको दे देते हैं, तो दे देते हैं मतलब अध्वर्यु को नहीं किसी और को, ये दो बातें हो गई। इति तत्कर्तृ सामान्यात प्रमाणम इति प्राप्ते, चूंकि इन दोनों कर्मों को, इन दोनों में निर्दिष्ट कर्मों को करने वाले समान है, कर्तृ सामान्य जो पीछे हेतु आया था, इसलिए इन दोनों का प्रमाण प्राप्त होता है, ऐसा प्राप्त होने पर ये उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। हेतु दर्शनाच वही सूत्र है। अप्रमाणम स्मृति, स्मृति यहाँ पर भी प्रमाण है, क्यों? अत्र अन्यत मूलम, यहाँ पर इसका मूल कोई अलग है। इन दोनों जगहों पर, इन दोनों में परस्पर वैसा विरोध नहीं है कि एक को करेंगे तो दूसरा नहीं हो सकता है, ये अलग अलग हैं। तो लेकिन कहा अत्र अन्यत्र मूलम, यहाँ पर कोई कारण और ही कुछ है, क्या? लोभाद आचरित बनता केचित तथा ऐशा स्मृति ही, कुछ लोगों ने लोभ से इसका आचरण किया, यानी ऋत्विकों ने, क्योंकि देना था, उन्होंने सोचा आपस में ही दे लो, हम ही ले ले, ये उनका लोभ हो गया, देना दूसरों को था, तो कैसे कह रहे हैं आपस में ही दे लो, अध्वर्यु को ले लो, जो ऋत्विक है वही ले लो, तो ऐसा करके इसमें लोभ से कुछ ने ऐसा आचरण किया, तथा ऐशा स्मृति, और इसलिए इन्होंने ये स्मृति बना दी। तो ये अन्य कारण वहां पर दिखाई दे रहा है, लोभ कारण दिखाई दे रहा है, इसलिए वो मान्य नहीं है। उपपन्नतरम चैतत वैदिक वचन कल्पनात, ये बात कि ये स्वीकार्य नहीं है, ये उपपन्नतर है, क्योंकि वैदिक वचन की कल्पना करने से, यहां पर वैदिक वचन की कल्पना करनी पड़ेगी तब ये उपपन्नतर होगा, जो कि स्वीकार्य नहीं है। आगे इति इसी में इति दृष्ट मूलक स्मृति अप्रामाण्याधिकरण, वही बात है यहां पर। इसको यूं भी देखिए कि जिसका मूल देखा जा रहा है, स्मृति में जिसका मूल देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी अप्रामाणिकता है। देने का यहां पर कहा यूप हस्तिनो दानम आचरंती, इसको यूं देखिए आप दूसरे ढंग से कि उसके वस्त्र का दान करना चाहिए, ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया किसको देना चाहिए, दान कहा गया है। तो इन्होंने क्या कहा, इसने अधूरी ने ले लिया, वो भी दान मान लिया, तो अब ये स्वीकार्य नहीं होगा। इसको आधुनिक ढंग से आप समझें कि कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं, न्यास होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, धन को अलग अलग जगह देना, लोगों के परोपकार के लिए होती हैं, ट्रस्ट होते हैं वो इसी तरह होते हैं, जन उपकार या इन विभिन्न कार्यों के लिए करते हैं। अब अगर उसके संचालक ही उसका धन लेने लग जाए, वो उसने अपने के उसके नाम कर दी, उसने उसके नाम कर दी, आपस में ही लेने लग जाए, तो दे तो रहे हैं ना वो धन को, दे तो रहे हैं, देना ही प्रयोजन है, धन को तो दे रहे हैं, लेकिन किसको दे रहे हैं, अपने ही लोगों को दे रहे हैं, ये मान्य नहीं होगा। देना होते हुए भी, लक्ष्य होते हुए भी किसको दे रहे हैं, लोभ के कारण आपस में ही ले रहे हैं, ये गलत होगा। आगे देखिए अगला अधिकरण है पदार्थ प्राबल्याधिकरण। पदार्थ का मतलब है वो क्रिया, जो विधि की गई है उससे संबंधित जो क्रिया है उसको पदार्थ कहेंगे, उसकी प्रबलता का अधिकरण है। यानी इसकी जगह पे दूसरी कुछ और बातें हैं जिनमें परस्पर विरोध आ रहा हो तो क्या किया जाए, ये भी नीचे देखेंगे। काल का, क्रम का, अन्य चीजों में विरोध आ रहा है तो अन्य के कारण से पदार्थ को बदलें, निरस्त करें, या पदार्थ के कारण से औरों को बदलें, क्या करना चाहिए वहां पर वो देखा जाएगा। तो पदार्थ की प्रबलता का अधिकरण यहां पर कहा गया है। तो सूत्र है शिष्ट अकोपे अविरुद्धम इति चेत,
कोई ऐसी बातें जो स्मृतियों में कही गई हैं, लेकिन उससे शिष्ट का अकोप हो रहा है, कोप नहीं हो रहा है। शिष्ट मतलब उपदिष्ट, श्रुति में जो कहा गया है, शिष्ट यानी आदिष्ट या उपदिष्ट, उससे अविरुद्ध उसका कहीं कोप नहीं हो रहा, यानी वो खंडित नहीं हो रही है। ऐसी जो बातें हैं, शिष्ट अकोपे अविरुद्धम, वो तो अविरुद्ध है यानी विपरीत नहीं है, ऐसा कोई कहे तो उसको कर लेना चाहिए। तो ऐसा होने पर क्या होना है तो उसको आगे बताएंगे। यद्यपि यहां इन्होंने पूर्व पक्ष का आक्षेप लिखा है पू आ, और उसके आगे छठे सूत्र में देखिए पू आ नी, यानी पूर्व पक्षी के आक्षेप का निवारण किया गया, और सातवें सूत्र को इन्होंने उत्तर पक्षी सिद्धांति का लिया है। तो जो पूर्व पक्षी के पे आक्षेप कर रहा है उसको एक तरह से हम सिद्धांति का मान सकते हैं। जो पूर्व पक्षी पे आक्षेप कर रहा है वो सिद्धांति ने पहले बात रखी, फिर पूर्व पक्षी का है, फिर सिद्धांति का है। सामान्यता क्या होता है, पूर्व पक्षी बात को रखता है, फिर सिद्धांति उत्तर देता है, फिर पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांति। यहाँ किस तरह से शुरू हो गया, सिद्धांति, पूर्व पक्षी, फिर सिद्धांति, ऐसे। तो शिष्ट का अकोप हो तो अविरुद्ध मानना चाहिए। उदाहरण दिया आचांतेन कर्तव्यम, आचांत मतलब आचमन जो किया जाता है, तो आचमन किए हुए को यानी आचमन करके कर्म करना चाहिए, आचमन के अंत में कर्म करना चाहिए। जैसे कि हम यज्ञादि करते हैं तो उसमें प्रारंभ में आचमन करते हैं, आचमन करके और फिर उस क्रिया को करते हैं। आपने वहां सोमयाग में भी देखा होगा, वो बाहर आकर के और यूं 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 बहुत जल्दी 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 करते हैं, हालांकि मुंह में जाता ही नहीं जाता वो अलग बात है, लेकिन वो प्रक्रिया तो करते हैं। वो क्या करते हैं, आचमन करते हैं, आके आचमन करते हैं, आचमन करने के बाद में वो कर्म किए जाते हैं। वो क्यों ऐसा है, तो श्रेष्ठ कर्मों को करने से पहले अपने को अच्छा बनाना होता है, ये भावना है वहां पर। शतपथ ब्राह्मण में इस बात को लिखा गया है प्रारंभ में, सत्यम वही देवा अनृतम मनुष्य, देवता लोग सत्य होते हैं, जो सत्य का आचरण करते हैं, सत्य बोलते हैं, वो देवता होते हैं, जो असत्य का आचरण करते हैं वो मनुष्य होते हैं। मनुष्य तो अनृत बोलता ही है, सामान्य जो मनुष्य होता है वो झूठ बोलता ही रहता है, कुछ ना कुछ बोलेगा ही, वो उसका स्वभाव ही ऐसा ही हो जाता है। और फिर जब वो मनुष्य यज्ञ करने के लिए आया है, दैवीय कर्म करने के लिए आया है, तो उसको क्या करना चाहिए, तो आचमन की बात नहीं है, ये पवित्र है, करने वाला है, कम से कम इस श्रेष्ठ कार्य को करते हुए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये प्रसंग आता है। वहां आगे आया भी, उसमें पहले भी आ चुका है शायद, कि अनृत नहीं बोलना चाहिए, नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। वहां दो विरोध आते हैं परस में, सत्यम सत्य बोलना चाहिए, बोले यहां सत्य सत्य बोलूंगा, यहां असत्य नहीं बोलूंगा, उसकी चर्चा एक आएगी आगे, इसी में एक अधिकरण में आएगी। इन दोनों में विरोध बताया जाता है, दो वाक्यों के अंदर विरोध बताया जाता है। तो आचमन करते हुए वो ये इस प्रतिज्ञा को करता है कि इस कार्य को करते हुए, ये यज्ञ कार्य है, सर्वश्रेष्ठ कार्य, लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा हूं, सामाजिक कार्य कर रहा हूं, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक होता है व्यक्तिगत जीवन, उसमें उसका व्यवहार जो भी होता है उसमें वो ढीला भी हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्य करते हुए वो ढीला हो, ये दोषप्रद बात मानी जाती है। ठीक है, कोई अपने घर पे रह रहा है, वहां वो देरी से उठता है, आलस्य करता है, अधिक खाता है, शराब पी लेता है, नशे में धुत होता है, वो इस तरह से आपत्तिजनक नहीं होता है। और वही व्यक्ति, उसको सेवा पे जाना है, समय पे जाना है, सीमा पे जाना है, और वहाँ वो पहुँचा नहीं है, देरी से पहुँच रहा है, भाई आलस्य कर लिया, वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ उसको समय पे ही पहुँचना पड़ेगा, और वहाँ कुछ इधर उधर नहीं कर सकता है। वो घर पे जब चाहे खा लिया, जब चाहे सो गया, वहाँ नहीं कर सकता है ऐसा, वहाँ उसको नियमबद्ध ही रहना पड़ता है सामाजिक दृष्टि से। तो वहाँ ये आचमन करने की बात आती है शतपथ ब्राह्मण में। तो इसलिए कहा आचांतेन कर्तव्यम, जितने भी कर्म हैं श्रेष्ठ कर्म आचमन के बाद किए जाते हैं, क्योंकि जल पवित्र है, उसको व्रत लेता है, जल की पवित्रता से मैं भी पवित्र बनूंगा, मेरा अंतःकरण पवित्र हो, और मैं इस कार्य को अच्छी भावना से करूंगा, और कम से कम यहां झूठ नहीं बोलूंगा, यहां पर गलत आचरण नहीं करूंगा, यहां कम से कम ईमानदारी से करूंगा। वैसे वो अपनी मान लो आजीविका कमाते समय ऊंच नीच करता है, लेकिन अब सामाजिक कार्य कर रहा हूं तो यहां मैं कुछ ऊंच नीच नहीं करूंगा, यहां मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा। आचांते न कर्तव्य है, हाँ तो ठीक है, कर्म की कर्म ही होता है, कर्तव्य मतलब कर्म ही है। हाँ, नीचे जो व्याख्या में लिखा है आचांते न कर्म कर्तव्य, ऊपर छोटा हुआ है, ठीक है।
आगे यज्ञोपवीति न कर्तव्य, यज्ञोपवीति होकर के करना चाहिए ये कर्म, यज्ञादि जो कर्म है ये देवीय कर्म है। तो यज्ञोपवीत जैसा हम धारण करते हैं, इसमें बाएं कंधे पे रखा जाता है और दायां हाथ उसके नीचे इसके बाहर रखा जाता है, ये तरीका है। यूं इसको उपवीत या यज्ञोपवीत कहते हैं। इसको वस्त्र इसको धारण करने के और भी तरीके होते थे। तो दूसरा एक है प्राचीनावीत, ये तो है उपवीत, प्राचीनावीत इसको उल्टा कर दो, दाहिने कंधे के ऊपर आता है और बायां हाथ इधर से निकाल लेते हैं, उल्टी तरह से पहनते हैं। दैवीय कर्म जब करते हैं तो उपवीत करते हैं, जैसा ही हम करते हैं यज्ञादि में करते हैं। दैवीय कर्म करते हैं वो सीधे हाथ से करते हैं, उस समय ऐसा पहना जाता है। और पितृकर्म जब करते हैं तो इसको उल्टा पहना जाता है, पितृकर्म के पितृकर्मों के लिए। और एक होता है निवीत, उपवीत सीधा जैसा हम करते हैं, प्राचीनावीत विपरीत, और निवीत होता है जैसे गले में यूं डाल दिया हो मनुष्य कर्म करते समय। जैसे जिन्होंने ये उपवीत यानी यज्ञोपवीत जिन्होंने पहन रखा है, कभी व्यायाम करते हैं तो क्या करते हैं, उसको गले में लपेट लेते हैं। कार्य करते हैं तो कपड़े धो रहे होते हैं तो यूं लपेट लेते हैं ना यहाँ पर, क्योंकि वो वैसे तो हम उस तरह से करते हैं वो टूट ना जाए, बाधा ना हो, लटकता रहता है, इसलिए हम यहाँ गले में पहन लेते हैं। जो मनुष्य कर्म करते हैं उस समय ये कर लिया जाता है। और ये जो धागा है, पहले इसको वस्त्र की तरह से जो पहनते थे कि दैवीय कर्म करते समय, जैसे चादर पहन रखी है तो चादर को इसी तरह से कर ले लेते हैं, इसमें दाहिने हाथ को बाहर निकाल लेते हैं। देखा है आपने ना चादर को, जैसे वो आपने वहां पर याग में भी देखा, इस चादर को इसमें से नीचे से निकाल लेते हैं, ये कंधा बाहर निकाल लेते हैं, वो एक यज्ञोपवीत की तरह से हो गया ना। अब सीधे हाथ से करते हैं, और दूसरा जब करते हैं उल्टा तो इस हाथ को बाहर निकाल लेते हैं चादर के इधर से ऊपर से, और ये नीचे से यूं आकर के हो जाती है, ये एक हाथ खुला रहता है एक हाथ कपड़े के अंदर रहता है, ये पितृकर्म के लिए। और वैसे कार्य करना होता है तो इसी चादर को यूं गले में लपेट लेते हैं ना, दोनों हाथ खुले रखते हैं। उपवीत में बायां हाथ नीचे कपड़े में रहता है, दायां हाथ निकला हुआ रहता है। प्राचीनावीत में बायां हाथ निकला हुआ रहता है, दायां हाथ अंदर रहता है। और निवीत में दोनों हाथ खुले रहते हैं, मनुष्य कर्म जो भी कर रहा है वहां ऐसे कपड़े जो पहने हैं उपवीत और प्राचीनावीत की तरह ऐसे कार्य ही नहीं कर सकता, खेत में कैसे काम करेगा, फैक्ट्री में कैसे काम करेगा, दोनों हाथ चाहिए, उसके लिए यहां पर ऐसे किया जाता है। तो ये यज्ञोपवीति ना कर्तव्य, याग आदि कर्म यज्ञोपवीत के इस तरह से करके करने चाहिए। दक्षिणाचार्य कर्तव्यम दाहिने हाथ से करने चाहिए, दाहिने हाथ से करनी चाहिए। अच्छे कर्म में हम बार बार बोलते हैं ना दाहिने हाथ से दो, दाहिने हाथ से आहुति दो, दाहिने हाथ से करने चाहिए। तो इत्येवम लक्षणानि उदाहरणानि, इनको उदाहरण बना करके यहाँ पर चर्चा की जा रही है। क्या प्रश्न है यहाँ पर, किम एतानि श्रुति विरुद्धानि न कर्तव्यानि उत अविरुद्धानि कार्याणि इति चेत पश्यसि। अगर कोई ये प्रश्न करे देखे कि ये श्रुति के विरुद्ध होने के कारण इनको नहीं करना चाहिए, अथवा ये श्रुति के अविरुद्ध हैं तो या करना चाहिए, इनका श्रुति में सीधे वर्णन नहीं मिल रहा है, स्मृति ग्रंथों में मिल रहा है, तो ये श्रुति विरुद्ध है तो नहीं करने चाहिए, श्रुति अविरुद्ध है तो कर लेने चाहिए, और अगर करना भी है तो तही अपि अनुष्ठीयमानैर वैदिकम किंचित न कुप्यति, कि इनका अनुष्ठान करते हुए वैदिक कर्म कुपित नहीं होता है, वैदिक कर्म कुपित नहीं होता है यानी खंडित नहीं होता है, बाधा नहीं होती है, वो यथावत होते रहते हैं। तस्मात अविरुद्धानि इति, इसलिए ये अविरुद्ध हैं, ये किए जा सकते हैं। ये जो किए जा सकने वाला मत आए सिद्धांतिक आए, किए जा सकते हैं। अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है छठा, न शास्त्र परिमाणत्वात्, न के बाद में अल्प विराम लगा लीजिए, न का मतलब अल्प विराम का मतलब हुआ कि पिछली बात का निषेध कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, इनको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके लिए हेतु था शास्त्र परिमाणात्, शास्त्र में कुछ कर्म विविध परिमाण में विशेष स्वरूप में कहे गए हैं, ये उसके अतिरिक्त चीजें आ जाती हैं। कैसे भाष्य में बताएंगे, नहीं तदेवम, पूर्ण विराम यानी ये न अलग है, शास्त्र परिच्छिन्नम ही क्रमम बाधेरन, शास्त्र में जो क्रम बताया गया है उसकी ये बाधा कर देंगे, ये चीजें अगर करेंगे तो शास्त्र में कर्मों का जो कर्म क्रम बताया गया है उसकी ये बाधा कर देंगे। कथम, कैसे बाधा करेंगे, तो वेदम कृत्वा वेदिम कुर्वीता, वेद को बना करके फिर वेदी को बनाए, वेद एक
उषा से मोड़ करके जो बनाते हैं, बांधते हैं विशेष प्रकार से, उसी को कूर्चा की तरह से एक बनाते हैं, वो छोटा सा होता है, उसको करके फिर वेदी को बनाता है। वेदम कृत्वा वेदीम करोति, दो कर्म करने हैं, वेद को बनाना है और वेदी को बनाना है। तो इति इमाम श्रुतिम उपरुंध्यात, बोले ये इस श्रुति को बाधित कर देंगे, कुपित कर देंगे। कैसे करेंगे? अंतरा वेदम वेदीम च अनुष्ठीयमानम आचमन आदि, पहले वेद को करेगा, फिर आचमन को करेगा और फिर वेदी को करेगा। क्योंकि यहां क्या कहा गया था, आचान्ते न कर्तव्यम, आचमन करके कोई बात करनी चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो कर्म दो हुए, जो वेद को बनाएगा उससे पहले आचमन करेगा, तब तक तो कोई बात नहीं है। लेकिन वेदम कृत्वा वेदीम करोति, तो बीच में वेद को करके फिर आचमन करेगा ना, वेदी करने से पहले, तो वेद और वेदी के बीच में आचमन आ गया। तो शास्त्र तो ये कह रहा है वेद को करके वेदी को करे, तो बीच में तो कुछ है नहीं, अभी आचमन बीच में डाल दिया, तो ये शास्त्र की श्रुति को बाधित करने लगेगा। ये पूर्व आक्षेप है पूर्व पक्षी का। और दक्षिणेन च एक हस्तेन अनुष्ठीयमानेषु पदार्थेषु कदाचित प्रधानम स्वकालम अतिक्रामेत, और दाहिने हाथ से ही केवल करेगा, जो पीछे कहा था ना दक्षिणेन दक्षिणाचार्येण कर्तव्यम, केवल दाहिने हाथ से करना चाहिए। तो बोले केवल दाहिने हाथ से करने लगेगा तो काम धीरे होगा, जल्दी नहीं होगा, तो कदाचित कभी प्रधान काल का, प्रधान कर्म का जो काल है उसका अतिक्रमण कर जाएगा। कोई भी याग आदि होते हैं तो एक प्रधान कर्म होता है और उसके आगे पीछे के उसके अंग कर्म भी होते हैं, छोटे कर्म होते हैं, अप्रमुख कर्म भी होते हैं। तो प्रधान कर्म के काल का अतिक्रमण कर जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करेगा तो समय भी निकल जाएगा, इसलिए ये भी गलत होगा। इसलिए दाहिने हाथ से करना चाहिए, ये नहीं, वो कर्म समय पे होना चाहिए, इसलिए भले ही दोनों हाथों से करो, करना चाहिए। वेद को करके वेदी को करना चाहिए, बीच में आचमन नहीं भी करे लेकिन शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, वेद करके वेदी करे, आचमन नहीं करे। तो उभाभ्याम हस्ताभ्याम अनुतिष्ठन प्रधान कालम संभावयिष्यति, दोनों हाथों से करेगा तो प्रधान काल को प्राप्त करेगा, इसलिए दोनों हाथों से करना चाहिए। तो ये पूर्व पक्ष ने खंडन किया इस बात का, इन वचनों का, इसका उत्तर सिद्धांती दे रहा है। अपिवा कारणा ग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतियेरन, तो पूर्व पक्षी की बात को खंडित कर रहा है। दूसरा पक्ष आ रहा है अपिवा कारण अग्रहणे, उसमें कोई कारण अगर नजर से नहीं आ रहा है, बाधक कारण नजर नहीं आ रहा है, तो प्रयुक्तानि प्रतियेरन, इनका प्रयोग किया जा सकता है। कारण कौन से? पीछे जो हेतु का कथन किया था ना, लोभ आदि से कुछ हो गया, ये क्यों कर रहा है ऐसा? अगर उसका कोई स्वार्थ नजर में आ रहा है तो मत करो, उसको सावधान हो जाओ। कोई बहुत सारा कर्मकांड करवा रहा है, ये करवा रहा है, वो करवा रहा है, हमें पता लग जाता है ये तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। बोले यहाँ 10 रुपए रखो, यहाँ पर 100 रुपए रखो, अब ये करो, इससे इतना चढ़ाओ, वो जो सारी जुड़ जाती है, पता लग जाता नहीं अपने लिए कर रहा है, स्वार्थ के लिए कर रहा है। ऐसे ही परोपकार और चीजों में लग जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है तो किया जा सकता है। हमें लग रहा है कि ये व्यक्ति हमारे को सहयोग करने आया और इसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, बिना स्वार्थ के ये कर रहा है, तो हम विश्वस्त हो जाते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो कारण अग्रहण है, गलत कारणों के ग्रहण न होने पर प्रयुक्तानि प्रतियेरन, इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो अपि वा इति पक्ष व्यावृत्ति, अपि कह करके पक्ष की व्यावृत्ति की है। अग्रह्यमाण कारणा एवं जातीय का प्रमाणम, इस प्रकार के वचन भी प्रमाण होंगे यदि इनका बाधक कारण कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके ऊपर फिर पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। ननु क्रम कालो विरुद्धंती विरुद्धंती, बोले ये क्रम और काल का तो विरोध करते हैं, शास्त्र को कुपित कर ही देते हैं। पीछे जो कहा था कि क्रम को बाधित करता है, कैसे? वेदम कृत्वा वेदम करोति, बीच में आचमन ले आया तो क्रम बाधित हो गया। और काल बाधित कैसे हुआ? केवल दाहिने हाथ से कर रहा है, एक हाथ से, तो प्रधान का काल आगे चला गया। जो पीछे कहा था पूर्व पक्षी ने, उसी को यहां पर इसने।
भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति।